दोस्तों वेलकम टू आवर शो द कूल कलिंगा किचन, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं माछो बेसरो, यानी फिश जो मस्टर्ड की तरी में डूब गई है। जी हाँ, उड़ीसा का ये बहुत ही फेमस जो फिश करी है, जो खासकर मस्टर्ड करी में बनता है। और हम क्यों फेमस बता रहे हैं, जब आप इसको बनाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये फेमस के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहले जो हमने लिया हुआ है वो है 1/2 kg फिश। ये हमने रोहू फिश लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फिर कातला और भेटकी भी ले सकते हैं। इसको ज्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना है। देखिए, अगर हम हार्ड फ्राई करते हैं किसी भी फिश को, तो जब हम ग्रेवी बना रहे हैं तो उसको ग्रेवी को वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। पहले हम देखते हैं कि फिश को मैरिनेट कैसे करते हैं। अब ये जो 1/2 kg मैंने फिश लिया हुआ है, रोहू फिश, इसको हम मैरिनेट करने के लिए उसमें डालेंगे 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी, लाल मिर्च वो भी 1/2 teaspoon, ये मैंने लेमन का जूस निकाल के रखा है। अब उसमें से हम 1 teaspoon इस पे मछली पे डालते हैं। अब मछली को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब इस मछली को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं मैरिनेशन के लिए। उसके बाद ही हम आधे घंटे के बाद फिर फ्राई करेंगे उसको। आधा घंटा मैरिनेशन का हमारा हो चुका है, फिश को जिस हमने रखा था मैरिनेशन के लिए। अब बारी है फिश को फ्राई करने की। तो चलिए फिर फिश को फ्राई करते हैं मस्टर्ड ऑयल में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब बारी है फिश को फ्राई करने की। मछली हमारी करीब करीब बन चुकी है। देखिए, इसको हम हल्का सा दूसरी तरफ पलट रहे हैं। ये हमारा मछली हो चुका है। अब इसको निकाल कर थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। हमारा इसमें जो 1/2 kg फिश के लिए इस्तेमाल होगा, तो आप समझ लीजिए 1/2 teaspoon मस्टर्ड सीड्स इसमें हम डालेंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है। तेज पत्ते की 1-2 हमने इसमें डाला है। इलायची, बड़ी इलायची, देखिए। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च, 4-5 डालते हैं, तो स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, 1/2 teaspoon सॉल्ट काफ़ी है इसके लिए। ये देखिए, अदरक भी हमने रखा, लहसुन हम इसमें पहले डालते हैं, 1/2 teaspoon अदरक, 1/2 teaspoon हमने लिया। अब बारी है मसालों की, तो अब इसमें डालते हैं 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, ये गया गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 teaspoon हमने डाला। ये मैंने एक होल टमाटर जो बड़ा साइज का है उसको काट के रखा है, क्योंकि मेरा 1/2 kg का फिश है, इसीलिए। अब टमाटर को डालते हैं प्याज और मसाले के साथ। इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी देकर मसाले में उसको ढक देते हैं, इसी में देते हैं। मसाले देखिए आराम से तेल छोड़ दिया है। अब बारी है सरसों का जो पेस्ट हमने बना के रखा है उसको डालने की। ये देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सरसों का पेस्ट डालने के बाद हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा भुनेंगे तो वो कड़वाहट आ जाती है, जो हमें नहीं चाहिए। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, मैंने पहले से ही गर्म पानी करके रखा हुआ है। ड्राई मैंगो, जिसको आंबुलो बोलते हैं, उसको मैंने सोख करके रखा था। अब इसमें डालती हूँ, इसको ढक देती हूँ।
जैसे ही इसमें उबाल आएगा उसके बाद हम फिश को डालेंगे। अब देखिए हमारी तरी जो है अच्छी खासी उबल रही है। अब तरी में डालेंगे फिश। बस 2-3 मिनट इसको ढक देते हैं फिश को। ढकने के बाद हमारा माछो बेसर तैयार है। गर्मा गर्म माछो बेसर हमारा बनके तैयार है। अब बारी है गैस को बंद करने की। अब देखिए कितनी अच्छी खुशबू और इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है। अब इसको निकालते हैं। इसको थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च। गर्मा गर्म माछा बेसर आपका बनके तैयार है। राइस के साथ खाने का इसका मजा ही कुछ और है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है कुछ नए टेस्टी और इंटरेस्टिंग डिश के साथ। तब तक मी स्मृति साइनिंग ऑफ। टाटा।